मोदी सरकार 3.0 के 8 दलित मंत्रियों को जानिए। तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है और मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। इस बार पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा और 8 दलित चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। इस वीडियो में हम आपको उन सभी 8 दलित मंत्रियों के बारे में दिलचस्प जानकारी देंगे। इस लिस्ट में पहला नाम है जीतन राम मांझी। मोदी सरकार के पहले दलित मंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दलित जाति मुसहर से ताल्लुक रखते हैं। संभवतः पहली बार किसी मुसहर जाति के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार 3.0 में उन्हें एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। मांझी पहली बार चुनाव जीतकर संसद में गए हैं। पहली बार में ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। मांझी दलित समाज से आते हैं और मोदी सरकार ने बिहार से दलित समाज के इस बड़े चेहरे को अहम जिम्मेदारी दी है। मोदी सरकार में दूसरे दलित चेहरे हैं एसपी बघेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रविवार को शपथ लेने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर मोदी सरकार ने दूसरी बार भरोसा जताया है। प्रोफेसर एसपी बघेल ने पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। आगरा मंडल में केवल बघेल को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। वो आगरा से लगातार दूसरी बार निर्वाचित होकर संसद पहुंचे हैं। कभी यूपी पुलिस में दरोगा की नौकरी करने वाले एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव के करीबी रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने ही उनको जलेसर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 1998 में पहली बार उतारा था। एसपी सिंह बघेल ने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद वो दो बार सांसद भी चुने गए। 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा से वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए और फिर भाजपा में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगरा लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया। यहां से एसपी सिंह बघेल ने शानदार जीत दर्ज की और केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए। 2024 के चुनाव में फिर से उन पर भरोसा जताते हुए भाजपा से टिकट मिला, जिसके बाद उन्हें लगातार दूसरी बार आगरा से जीत मिली। लिस्ट में तीसरा नाम है कमलेश पासवान। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कमलेश पासवान को भी जगह मिली है। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। कमलेश ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर की और मनीराम से विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर वो 2008 में बीजेपी में पहुंच गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बासगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा। ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त कमलेश पासवान गोरखपुर के चैनपुर के रहने वाले हैं। लिस्ट में चौथा नाम है अजय टम्टा का। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अजय टम्टा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। भाजपा के लिए उत्तराखंड में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले अजय टम्टा को मोदी 3.0 सरकार में एक बार फिर से मंत्री की कुर्सी मिली। प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के बाद दलित चेहरे को वरीयता देकर मोदी सरकार ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की। सांसद अजय टम्टा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं। लिस्ट में पांचवा नाम है रामदास आठवले का। महाराष्ट्र के बड़े दलित चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले रामदास आठवले को इस बार भी मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में जगह दी है, लेकिन उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले की पार्टी का यूं तो कोई सांसद नहीं है, लेकिन आठवले राज्यसभा सांसद हैं और दलित चेहरे के तौर पर जातिगत समीकरण साधने के लिए मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी। आठवले मोदी के वफादार नेता माने जाते हैं और अक्सर अपनी शायरी और कविताओं के जरिए मोदी को खुश करने की कोशिश करते नजर आते हैं। लिस्ट में छठा नाम है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार को पीएम मोदी ने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। 8 बार के सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक एमपी के टीकमगढ़ सीट से लगातार चौथी बार जीत चुके हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले वो सागर में साइकिल पंचर रिपेयर की दुकान पर अपने पिता के साथ काम किया करते थे। वीरेंद्र कुमार खटीक जाति से आते हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की। खटीक को सितंबर 2014 में पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया था और अब उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। लिस्ट में सातवां और बड़ा नाम है अर्जुन राम मेघवाल का। मोदी की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल को इस बार कानून एवं न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। साथ ही उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कार्यभार भी सौंपा गया है। राजस्थान के बीकानेर से चौथी बार सांसद चुनकर आए अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक हैं।
मेघवाल आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और साल 2009 में उन्होंने वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन की और बीकानेर से लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और जीत गए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उस सरकार में अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 2019 की सरकार में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया। वहीं पिछली सरकार में अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय जैसी बड़ी मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। लिस्ट में आखिरी और आठवां नाम है चिराग पासवान का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से दुसाध जाति से ताल्लुक रखने वाले चिराग पासवान को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। हाजीपुर लोकसभा सीट से चुने गए चिराग पासवान बिहार के दिग्गज नेता रहे रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद को अक्सर मोदी का हनुमान बताते रहते हैं। इस बार उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे उनका कद केंद्र की राजनीति में भी बढ़ गया। तो ये थे मोदी सरकार के 8 दलित मंत्री। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी दलित समाज की आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे और सिर्फ मंत्री बनकर नहीं रह जाएंगे बल्कि अपने समाज की भलाई भी करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।